चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर का भी बेहद खास योगदान रहता है। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हेलीकॉप्टर आ जाए तो तमाम जो ग्रामीणों की जो क्रेज रहता है, जो उत्सुकता रहती है, वो हेलीकॉप्टर की तरफ ही रहती है, जिसपे नेता जो है सवार होकर आते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने दौरों में हेलीकॉप्टर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो ग्रामीण जनता है वो सभा स्थल से खुद दौड़ कर यहाँ पर पहुंची है इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए और ये देखने के लिए कि किस तरह से इसकी पंखे इसको ऊपर ले जाता है। क्या ये जिस तरह से हेलीकॉप्टर को इनके पंखे ऊपर ले जा रहे हैं, इन तमाम ग्रामीणों के वोट भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को ऊपर ले जाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद है, बांधवगढ़ उपचुनाव में लगातार रैलियां कर रहे हैं। सर, किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है, काफी तादाद में आदिवासी यहाँ पर जुड़े? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा को जिताएंगे, अद्भुत समर्थन है सबका। जी, काफी तादाद में देख सकते हैं सर, आदिवासियों के लिए आपने घोषणा भी की है, खासतौर पर छात्र वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। हनुमान जी के दर्शन भी करके आ पा रहे हैं? बिल्कुल, धन्य हो गए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे हैं, उनके साथ तमाम मंत्री भी मौजूद हैं, गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रहण सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने साथियों के साथ में वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं। और नवरात्रि का अवसर है तो भोजन की शायद व्यवस्था भी शायद हेलीकॉप्टर के तहत ही रहेगी, लेकिन लगातार एक के बाद एक दौरे से साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इस चुनाव को भी बेहद गंभीरता से ले रही है। लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ने इस पूरे चुनाव की कमान यहाँ पर संभाल रखी है और इसमें कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर भी इसमें एक बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। कैमरा अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।